हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि जिन दोस्तों के कूपन से राशन नहीं आया है और जो केजरीवाल किट नहीं मिल पा रही है, उसका क्या रीज़न है और क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी बहुतों ने पूछा है कि काफ़ी टाइम से हमने फोरम भरा हुआ है लेकिन कोई भी किट नहीं आ रही है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात को शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें सबको पता है कि अप्रैल में सरकार ने काफ़ी लोगों को राशन दिया था, जिसमें राशन कार्ड जिनके पास था उनको भी राशन मिला था। इवन जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको ई कूपन के जरिए राशन दिया गया था। उसके बाद केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस की थी कि नेक्स्ट टाइम जब मई में राशन दिया जाएगा तो सभी लोगों को एक जनरल किट दी जाएगी, जिसमें ज़रूरी सामान जैसे तेल, साबुन, दालें एट्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने पिछली वीडियोस भी बनाई कि किस तरीके से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो और इस सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। लंबे समय से देखा गया है कि कोई भी मई में अप्रूवल नहीं आ पा रहा। इवन मैंने भी एक किसी का भरा हुआ है, उसका भी अवेटिंग किट जनरल शो कर रहा है। रीज़न क्या है इसके बिहाइंड? रीज़न ये भी हो सकता है कि अब गवर्नमेंट शायद ये ई कूपन के लोगों को राशन ना दे, क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली सरकार ने एक तरीके से कह सकते हैं ये लॉकडाउन ख़त्म ही कर दिया है। 80-85% तो लॉकडाउन ख़त्म है, 10-15% ही चीज़ें खुली नहीं हैं। तो दिल्ली सरकार के दिमाग में ये भी बात हो सकती है कि अब लोग जनरल अपना जीविका कमा ही रहे हैं तो वो अपना राशन खुद खरीद सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अवेटिंग जनरल किट शो कर रहा है, उनको आने वाले टाइम में मिल भी जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि या हम फॉर्म भरें और हमें राशन मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब जिनका पीछे का फॉर्म भरा हुआ है, जिनका खुद का वेटिंग चल रहा है अभी भी, उनको ही अभी तक कोई राशन नहीं मिल पा रहा है। तो जो अब फॉर्म भरेंगे तो उनको राशन कम मिलेगा, इवन उनको शायद ही मिल पाए। हाँ, ये है कि कोशिश कर सकते हैं, अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो आप भर के देख सकते हो, लेकिन इसके भरोसे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, ना ही सरकार इसके ऊपर कोई भी बात करने को राजी है कि हम देंगे या नहीं देंगे। कोई भी अब कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल नहीं बता रहा है कि ये राशन जो बचा हुआ है, जो लोगों को देना था मई में, वो कब दे आ जाएगा, क्योंकि मई पूरा ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो चुका है। ये 24 तारीख संडे को आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 24 तारीख हो गई है। हो सकता है ये 2-3 दिन में मैं डालूं या आज ही डाल दूं इस वीडियो को यूट्यूब पे। तो ये लगा लेना कि 23 तक तो कोई राशन नहीं मिल पाया, तो इस मई का तो शायद किसी को मिला ही नहीं है। इवन कम लोगों को मिला है, कुछ को मिल पाया है, जैसा कि बता रहे हैं, बहुत रेयर ऑफ द केसेस। जो मेरे यहाँ पे MCD स्कूल है जहाँ से मिलता है राशन, वहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस महीने पूरे बोर्ड लगा हुआ है कि राशन समाप्त हो चुका है, आने पर ही मिलेगा। तो इससे हम वो लगा सकते हैं कि अब शायद ही मिले। तो ये मेरी आखिरी वीडियो है इस पे, ई कूपन पे, क्योंकि इस पे कोई अब कंटेंट है नहीं, कोई इस पे न्यू जानकारी नहीं है। ये जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जो दोस्त, जो बहन भाई कमेंट में पूछते हैं कि हमने फॉर्म भरा हुआ है, राशन नहीं मिल पा रहा है, कब तक मिलेगा, क्या है, अवेटिंग किट शो कर रहा है, तो उन्हीं के लिए ये सब मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि अब कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बीच बीच में अपने लिंक को चेक कर सकते हो लॉगिन करके, लेकिन अब दोस्तों अपने ही भरोसे ज़िंदगी को सर्वाइव करना है। ये सरकार ने जो करना था कर दिया, एक महीने जो जैसे तैसे करना था कर दिया, अब अपने भरोसे आपको करना है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना कुछ खास नहीं है, और कोई नई जानकारी मिलती है तो दोस्तों आपके साथ शेयर की जाएगी। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।
जय हिंद जय भारत।